तो आज लेकर आए हैं एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो 1500 रुपए के प्राइस में नाम से बड़ी छोटी है बट डायल साइज और काम के मामले में काफी बड़ी है। ये है नॉइस की मैक्रो। भाई साहब नाम तो बड़ा जबरदस्त रखा है इन लोगों ने, पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश करी है नाम के साथ में, बाकी कंटेंट पैकेज में क्या अलग करा है वो तो खोल के मालूम पड़ेगा डब्बा। और उससे पहले सभी को इंद्री भाई के राम राम, क्या हाल चाल है, बातचीत कर लेते हैं वॉच के बारे में। तो डब्बे में तो मस्त ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, साइड में विराट कोहली भैया भी दिख जाएंगे आपको और कुछ की हाइलाइट्स भी देखने को मिल जाती है। कंटेंट पैकेज के अंदर आपको मिल जाती है आपकी मेन वॉच जो हमने हाथ में पहन रखी है, साथ में मिल जाएगी आपको एक चार्जिंग केबल, एक मैनुअल, एक साल का वारंटी कार्ड और नॉइस की तरफ से स्टिकर। तो ये सब कुछ आपको डब्बे के अंदर मिलने वाला है। बट बात करेंगे सीधे वॉच को लेकर। तो जैसा कि आपने नाम सुना वॉच का मैक्रो, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज है वो काफी मैसिव इन्होंने यूज कर रखा है। बट उससे पहले इसके बिल्ड और डिजाइन को लेकर बात करना चाहूंगा। स्पेशली जो मेरे पास ये वाला जो कलर है, ये लेदर कलर वाला, लेदर ब्राउन कलर जो है, काफी अच्छा लग रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो मेटल बॉडी यहाँ पे इन्होंने यूज करी, जो मेटल फ्रेम है, वो भी काफी प्रीमियम नजर आती है। एंड बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें इन्होंने एक क्राउन दे रखा है रोटेटिंग वाला, आवाज भी करता है बढ़िया सा, फीडबैक अच्छा आता है और वाइब्रेट भी करता है जब इसको यूज करेंगे। तो ये चीज मुझे पर्सनली काफी सही लगी। यहाँ पर टॉप पे आपको बढ़िया सा कर्व्ड ग्लास देखने को मिलेगा, स्लाइड कर्व्ड ग्लास है, मैक्सिमम इसको फ्लैट रखने की कोशिश करिए। साइड से आप देखेंगे तो काफी फ्लैट डिजाइन में ये इसको यूज कर रखा है। बॉटम में आपके आपके सेंसर नजर आ जाते हैं, राइट साइड में आपको स्पीकर और माइक्रोफोन ग्रिल भी देखने को मिल जाती है। स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप जो है आपको लेदर वाला ये पर्टिकुलर मॉडल देखने को मिलता है इसमें, और भी आपको जो है मॉडल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह मिल जाएंगे, यानी कलर ऑप्शंस अवेलेबल कर रखे हैं, बट ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पिन वाला ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो चेंज करना है तो चेंज आप इजीली कर पाओगे। तो एज सच जो वॉच है लुक और फील के मामले में काफी अलग और अच्छी नजर आ रही है फॉर द प्राइसिंग। मतलब अगर आप इस प्राइस पे देखेंगे तो डेफिनेटली काफी आई कैचिंग कहीं ना कहीं वॉच लग रही है। बट बात करेंगे इसके अंदर एस्पेक्ट्स को लेकर, जो मेन इसके हाईलाइट को लेकर बात करें कि इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है। तो ये डिस्प्ले है आपको 2 इंच का देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इक्वलाइज बेजल्स अराउंड यहाँ पर यूज कर रखे हैं। बेजल्स आपको नजर आएंगे जहां भी, अगर आपने कलरफुल अगर वॉलपेपर लगा रखे हैं, ब्लैक में तो बिल्कुल मालूम पड़ता नहीं है, ऐसा लगता है कि सीमलेस डिस्प्ले, बट हाँ अगर आप कलरफुल लगाओगे तो आपको हल्के से बेजल्स जो हैं हर साइड में नजर आएंगे और ये एक जैसे हैं। थोड़ी सी स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो वो आपको हल्की हल्की से कोने से कर्व देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो डिजाइन है डिस्प्ले का, जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी काफी अच्छा आपको मिल जाती है। अगर आप आउटडोर सिनेरियो के हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और इवन आपको वेगेशन वाली चीज देखने को मिल जाएगी डिस्टर्ब करने में, आपका डिस्प्ले जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो डिस्प्ले तो काफी सही साइड यूज कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। बट बाकी चीजें की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको वाटर रेटिंग जो है IP68 देखने को मिल जाती है। तो अगर आप स्विमिंग वगैरह में जा रहे हैं या बारिश में पहन रखी है, शावर में पहन रखा है, तो बेफिक्र होकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी परफॉर्मेंस देखो, ब्रांड हमेशा ये कहता है कि 7 दिन तक चल जाएगी, बट अभी जो 7 दिन तक चलने वाला सीन होता है ना, कि अगर आप यहाँ पे कॉलिंग वाला फंक्शन यूज कर रहे हो तो कॉलिंग वाला फंक्शन बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है, तो वहां पर फिर आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उससे आप अराउंड जो है 1 से 2 दिन की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बाकी जो चीजें हैं बेसिकली वो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको सेंसर वगैरह वही बेसिक वाले मिल जाते हैं, आपका SPO2 हो गया, SR हो गया, एक्सीलोमीटर, तो वो तीनों आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखे हैं। हाँ, बट यहाँ पर एक जो चीज मुझे काफी दिक्कत में लगी कि यार उन्होंने जो UI यूज कर रखी थी वो बहुत पुरानी वाली यूज कर रखी है। मतलब आपकी जो नॉइस की पहले जो वॉचेस आती थी उनमें जो UI देखने को मिलती थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा लगा मुझे। नई UI के साथ पे काम कर सकते थे, थोड़ा अच्छा भी लगता है वो। अब ये जो UI है बेसिक UI है, टॉप साइड पे आपको वही नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाती है, बॉटम पे आपके कुछ टॉगल बटन नजर आ जाएंगे और राइट साइड से आपका जो भी मेन्यू जो फीचर्स आपके अवेलेबल कर रखे हैं वॉच में वो दिख जाएंगे, और अदर साइड से करने पे आप यहाँ पर टॉगल अप कर सकते हो सारी सेटिंग्स जो आपके यहाँ पर वॉच में दे रखी है। सेंटर टच करना तो वॉच फेस चेंज हो जाते हैं, पर उसके लिए यहाँ पर क्राउन भी रोटेट करोगे तो आपके वॉच फेस चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे तो दिक्कत नहीं है, मतलब सीमलेस चल रही है UI, बट कहीं ना कहीं अगर लेटेस्ट यूज करते हो तो और अच्छा फील कहीं ना कहीं वॉच आपको देती। अब ऑन अदर एस्पेक्ट अगर फीचर्स को लेकर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको सारे बेसिक फंक्शन तो मिलते हैं। आप कॉलिंग वाला फंक्शन इसमें अवेलेबल कर रखा है, तो ब्लूटूथ कॉलिंग अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें मिल जाएंगी, फेवरेट कॉन्टेक्ट्स मिल जाएगा, डायल पैड मिल जाएगा, कॉल हिस्ट्री मिल जाती है, तो सारी तीनों चीजें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कर रखी है और कहने के काम भी आता ही है। और जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर माइक्रोफोन्स वगैरह की वो मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो अभी जब आप सुन रहे हैं गाइस, वो इस वॉच के माइक्रोफोन से आ कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस वॉच देगी जब आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी तो वॉच में आपको वही SPO2 HR और एक्सीलोमीटर सेंसर दिए रखे हैं, तो आपकी सारी मॉनिटरिंग तो हेल्थ मॉनिटरिंग तो यहाँ पर हो ही जाती है। नॉइस हेल्थ में आप जाएंगे तो दिख जाएगा आपको एक्टिविटी है, हार्ट रेट है, स्लीप है, ब्लड ऑक्सीजन है, साइकिल ट्रैकिंग है, इवन आपको यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी दे रखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर साइकिल ट्रैकिंग को लेकर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फीमेल के लिए इन्होंने जो है ये चीज भी यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है, तो अगर फीमेल ये वॉच खरीद है तो वो भी यहाँ पर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ट्रैक कर सकती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल कर रखे हैं, तो अगर आप एक्टिविटी करना पसंद करते हैं तो ये स्पोर्ट्स मोड जाके एनेबल कर लेना और उसके बाद एक्टिविटी करना, तो आपको ट्रैकिंग जो है प्रॉपर देखने को मिल जाएगी आपके डाटा की।
वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, अगर ग्रुप सेल्फीज वगैरह क्लिक करनी तो आप कर पाओगे वॉच को, एज अ रिमोट के तौर पर आप इसको जो है यूज कर पाओगे। इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ट्रैक्स वगैरह फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, ये स्पेशली जिम वगैरह में काफी काम आता है तो वो भी यहाँ पर है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो क्लॉक मिल जाएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन दे रखा है, गेम्स वगैरह दे रखे हैं इसमें, या तो यंग बर्ड 2048 आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है, इवन मैसेज वगैरह आपको रीड करने हैं तो वो आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, और कैलकुलेटर भी इन्होंने जो है आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। तो बेसिक जितने ही फंक्शंस हैं वॉच में आपको अवेलेबल कर रखे हैं। बाकी सेटिंग में चलेंगे तो यहाँ पे वॉच फेस दे रखे हैं, वाइब्रेशन रिंगटोन अगर आपको ऑन करनी है तो वो आप कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो वो कर सकते हो, यहाँ से रिस्ट वेक का ऑप्शन जो दे रखा है, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन दे रखा है, प्लस आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना है वॉच में ताकि आप ये कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह रीड नहीं करें तो आप यहाँ पे पासवर्ड लगा के इसको लॉक भी कर सकते हो। तो सारे जो सेटिंग में ऑप्शन है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब कंक्लूजन की बात करूँ ना देखो वॉच की, तो यार प्राइस काफ़ी इफेक्टिव रखी है इन्होंने, 1500 रुपये के प्राइस में आपको वॉच मिल रही है। डिजाइन पर्सपेक्टिव से मुझे वॉच काफी अच्छी लगी, मतलब नो डाउट आप इसके लुक्स और फील को लेके बात करेंगे तो काफी इंप्रेस करेगी आपको ये वॉच। बट सेकंड पर्सपेक्टिव जो दिक्कत देता है बस वो है इसका यूआई। यूआई अगर इंप्रूव्ड होगा तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काफी और बेहतर बन जाता। बट हाँ, डिजाइन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, आपको कलेक्शन में एक और नई वॉच ऐड करनी है तो फिर आप इसको देख सकते हो, खरीदने का मन है तो फिर नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको कैसे लगी ये वॉच, क्या कुछ इस वॉच में कमी है तो वो कमेंट करके फटाफट से बता देना, और वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक तो करना बनता ही है, फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए दबा के जरूर से जाना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटल रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।